क्लास 8 का चैप्टर 5 करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम, जैसा कि हम जानते हैं, ये इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल क्यों? क्योंकि बहुत टाइम पहले ये डेड वेजिटेशन या डेड एनिमल्स, जो सी एनिमल्स थे, उनके बरी हो जाने के कारण, जैसे सी एनिमल्स के बरी हो जाने के कारण पेट्रोलियम बना है, और जो वेजिटेशन लैंड पे थी वो वेजिटेशन स्वैम्प्स वगैरह में थी, किसी तरह से वो बहुत गहरे में चली गई, कवर अप हो गई, ऊपर से प्रेशर पड़ा, अंदर से हीट अर्थ की, उसके कारण वो कुछ इस तरह से प्रोसेस हुआ जिसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से कोल का फॉर्मेशन हुआ। रिसोर्सेज में हम देखते हैं इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल हम उनको कहते हैं जो सनलाइट, एयर, जो कभी ख़त्म नहीं होते ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो हैं जो ख़त्म हो सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ से, जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। क्योंकि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किसी प्रोसेस के कारण बने थे, वो प्रोसेस बार बार रिपीट तो होता नहीं है, तो एक लिमिटेड स्टॉक है। अगर हम इनको इस तरह से यूज़ करते रहेंगे इस रेट पे जिस पे आज हम कर रहे हैं, तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के कैटेगरी में डालते हैं। कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से कोल बना। कोल एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। कोल इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है थर्मल पावर स्टेशंस पर, और कोल से एक बड़ी अच्छी सी चीज़ बनाई जाती है जिसे कहते हैं कोक। कोल को ही कम एयर में बहुत हीट दी जाती है जिससे वो पोरस बन जाता है। पोरस मीन्स उसके अंदर थोड़े होल्स हो जाते हैं। होल्स होने के कारण जब उसे दोबारा जलाया जाता है तो वो एयर की सप्लाई उसे खूब अच्छे से मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जो आयरन इंडस्ट्री वगैरह में काफ़ी काम आती है। ये कोक बनाते टाइम, इसको हम कोक कहते हैं, ये कोक बनाते टाइम एक और प्रोडक्ट निकलता है, कोल टार। एक थिक लिक्विड आता है जिससे सड़क बनाने वगैरह में काम लिया जाता था, आजकल उसकी जगह किसी और सिंथेटिक चीज़ों ने ले ली है, लेकिन वो जो एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जिससे कंक्रीट आपस में स्टिक कर जाती है, वो कोल टार होता है। और कोल गैस, इसी प्रोसेस में कोल गैस भी रिलीज होती है। वो कोल गैस को हम स्टोर कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं हम जैसे फ्यूल की तरह। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। पेट्रोलियम से डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब तो बनती है, डिटर्जेंट्स वगैरह सब के प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह जितने डलते हैं ये पेट्रोल से ही प्रोड्यूस होते हैं। और पेट्रोल से सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, वो भी पेट्रोलियम से ही बनते हैं। प्लास्टिक्स बनते हैं पेट्रोलियम से, तो देखो पेट्रोलियम कितना यूज़फुल है। पेट्रोलियम कैसे बना था? सी बेड के अंदर सी एनिमल्स जैसे ओशन बेड्स के अंदर बहुत गहरे में दब गए, और फिर उसके बाद उनके एक प्रोसेस से वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। थिक लिक्विड निकलता है पेट्रोलियम, और जहाँ पेट्रोलियम होता है वहाँ पे नेचुरल गैस भी उसी प्रोसेस में बन जाती है, तो जहाँ रिजर्व्स होते हैं पेट्रोलियम के, वहीं रिजर्व्स हमें नेचुरल गैस के भी मिलते हैं। इतनी यूज़फुल चीज़ें हैं लेकिन लिमिट में है, इसलिए इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, इनको बचा के चलना बहुत ज़रूरी है। ये करते हैं हम डिटेल में इस चैप्टर से। कोल एंड पेट्रोलियम, वी यूज मटेरियल फॉर आर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम आर ह्यूमन मेड। लाइक ये बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर हम लगा सकते हैं नेचुरल और मैनमेड चीज़ें कौन सी होती हैं। जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें से कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ मैनमेड होती हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स? ये सारी चीज़ें यूज, एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल, ये सब आती है ना नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, इसलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। कैन वी यूज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? अब ये क्वेश्चन आता है, क्या हम हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या एयर, वाटर, सॉइल ये ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी रेड, ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। क्लास 7 में भी पढ़ा है, अगर हमें लगता तो है वाटर जो है अनलिमिटेड रिसोर्स है, रीज़न उसका कि वो नेचर ही उसको रिसाइकिल कर देती है, बट
हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो पोल्यूट हो जाता है। पोल्यूट अगर होगा वाटर तो हमारे लिए ही हार्मफुल रहेगा। दूसरी चीज, जैसे ग्राउंड वाटर है, अगर हम उसका ओवर यूज करते हैं तो वो ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है, इसलिए हमें इसको भी ये समझना चाहिए। रिसाइकलेबल जरूर है, रिसाइकल नेचर करती है, लेकिन हमें इन्हें बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि एयर, वाटर, सॉइल सबको हम अपनी गलत एक्टिविटीज से पोल्यूट भी कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। नेचर में जो रिसोर्सेज हैं इसको हम ब्रॉडली दो काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म नहीं होते, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। अनलिमिटेड क्वांटिटी है इनकी और ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म नहीं हो सकते, जैसे सनलाइट है, एयर है, पोल्यूट जरूर कर सकते हैं लेकिन एयर क्वांटिटी में बहुत सारी अवेलेबल है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, लिमिट में अवेलेबल है, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे हम फॉरेस्ट को अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते जाते हैं, फॉरेस्ट खत्म कर देते हैं, फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ वहाँ की इफेक्टेड होती है। वाइल्ड लाइफ में पता है कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब लिमिटेड इनके स्टॉक हैं तो ये खत्म हो सकती हैं, इसलिए इनको एग्जॉस्टेबल कैटेगरी में डालते हैं। अब एक ग्रुप एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर कुछ ईटेबल्स दिए हैं और पास ऑन करने को कहा है, इस तरह से कि जैसे हम जनरेशन टू जनरेशन रिसोर्सेज को पास ऑन करते हैं, उस तरह से ये अलग अलग ग्रुप्स पास करेंगे। किस पैटर्न में ये पास करते हैं, अगर आगे आने वाले लोगों के लिए संभाल के रखते हैं तब तो इनके रिसोर्सेज बचे रहेंगे आगे जनरेशन तक, ज़्यादा जनरेशन तक पास ऑन होंगे, और अगर पैटर्न ऐसा रहा कि इन्होंने खूब ग्रीड के साथ उसको यूज़ कर लिया तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये एक्टिविटी जस्ट ये चीज शो करने के लिए। अज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जैसे जो बोल में चीजें दे दी गई उनको इस तरह की चीजें मान लो कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, हर ग्रुप जो हमने डिवाइड किया है उनका कंजम्पशन पैटर्न अलग हो सकता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ द ग्रुप टू ग्रीडी, कहीं कहीं पे आगे वाली पहले वाली जनरेशन ज़्यादा ग्रीडी हो सकती है। रिजल्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन को कम मिलेगा, हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट को ना भी मिले। इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन ऑफ इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। और अगर जनरेशन थोड़ी जागरूक होती है, थोड़ी सेंसेबल होती है, तो वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखती है चीज़ों को। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये बने कैसे, डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने, दैट इज वाई हम इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स, इनके द्वारा ये बने हुए हैं इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोल को। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, या तो सुना होगा या देखा होगा। स्टोन जैसा होता है, हार्ड होता है, ब्लैक इन कलर होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, फूड कुक करने के लिए यूज होता है। पहले क्या होता था, रेलवे इंजन जो है प्रोड्यूस करते थे स्टीम, जिससे रन होता था इंजन, इंजन चलाने के लिए पानी गर्म किया जाता था, स्टीम प्रोड्यूस होती थी, उसके लिए आग जो जलाई जाती थी वो कोयले से जलती थी। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आज भी थर्मल पावर प्लांट जितने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ पे कोयला जलाकर ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, खासतौर पर मेटल की जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे कोल यूज होता है। द स्टोरी ऑफ कोल, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, ये देखते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में बहुत डेंस फॉरेस्ट थे। नेचुरल प्रोसेसेस के कारण जैसे फ्लडिंग हो गई तो ये फॉरेस्ट जो थे बरी हो गए अंडर द सॉइल, बहुत गहरे में जाके ये जैसे घुस गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और इनके ऊपर और सॉइल डिपॉजिट हुई, प्रेशर पड़ा ऊपर से तो ये कंप्रेस हुए, और टेम्परेचर अर्थ के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी जो हीट होती है उसके कारण
जब वो गहरे और डीप डीप में गए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये डेड प्लांट धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल जो है मेनली कार्बन से बना होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये धीरे धीरे जो गहरे में जाकर कन्वर्ट हो गए डेड वेजिटेशन कोल में, इसको हम प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। वेजिटेशन के रिमेन्स से बना है इसलिए इसे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। 5.2 में यहाँ पे कोल माइन दिखा रखी है। वेन हीटर इन एयर, जब इसको एयर में हीट करते हैं तो कोल बर्न करता है और प्रोड्यूस करता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल, कोल टार एंड कोल गैस। इसको इंडस्ट्री में हम प्रोसेस करते हैं जिससे कोक नाम की चीज मिलती है, कोल टार और कोल गैस। कोक होता क्या है? ये टफ और पोरस होता है। पोरस मीन्स इसके अंदर होल्स होते हैं। कम हीट में कोयले को अगर गर्म किया जाता है तो उसके अंदर थोड़े होल्स आ जाते हैं, पोरस बन जाता है। एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये डार्क कलर का सब्सटेंस और डार्क हो जाता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हो जाती है। कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। और ये कोक क्योंकि कोयले से भी ज्यादा तेजी से जलता है इसलिए इसको यूज करते हैं हम स्टील बनाने के लिए या बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कोल टार, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। ये कोल टार होता है अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस है ये। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार इज आर यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस। कोल टार से बहुत सारी चीज़ों के स्टार्टिंग मटेरियल मिलते हैं, यूज इन आर डेली लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में या डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज जो हैं वो कोल टार से बनती हैं, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एटसेट्रा, ये सब कोल टार से मिलता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं मॉस्किटो, तो ये मॉथ्स का रिपेलेंट होती है, ये मॉथ्स नहीं आती हैं इसकी वजह से, वो भी कोल टार से ही बनती है। दीज डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। पहले रोड बनाने के लिए जो एक थिक ब्लैक सा लिक्विड यूज होता था, जो कि एक एडहेसिव का काम करता था पत्थरों के बीच में, वो कोल टार हुआ करता था। अब आजकल उसकी जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमेन जो है वो यूज होता है। एक और जब कोक बनाने का प्रोसेस होता है तो कोल गैस और रिलीज होती है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। ये प्रोसेसिंग जब हम करते हैं कोल की कोक बनाने के लिए तो उस टाइम पे कोल गैस भी रिलीज होती है। इट इज यूज एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कोल प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ पे होता है उसके आसपास की इंडस्ट्रीज को ये गैस सप्लाई कर दी जाती है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810। 1810 में ये लंडन में यूज होती थी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1820। Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. ये heat का source कितना ज़्यादा use होता है industries में, light के लिए नहीं use होता। Now we come to petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles, such as motorcycles, car, scooters. इन सब में ये automobiles में fuel का काम करता है। Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. वो diesel पे run करते हैं। Petrol and diesel बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब ये पेट्रोलियम बना कैसे? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी। समुद्र के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बनता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। ये इनकी डेड बॉडीज जो थी सी बेड में सेटल हो गई एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और बहुत सारी किसी वजह से जैसे सैंड और क्ले उनके ऊपर जमा हो गई। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए एब्सेंस ऑफ एयर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये ट्रांसफॉर्म हो गए डेड ऑर्गेनिज्म इंटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जहाँ पे पेट्रोलियम बना होता है वहीं पे नेचुरल गैस भी होती है, इस तरह का दिखा रखा है इसके अंदर। रिजर्वायर रॉक है इसके अंदर, नीचे तो वाटर है, वाटर क्योंकि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो ऑयल का जो हमें कॉलम मिलेगा वो वाटर के ऊपर मिलेगा। एंड गैसेस और हल्की होती है, तो रॉक्स के बीच में जहाँ पे ऑयल का
रिजर्व होता है उसके ऊपर गैस मिलती है, नेचुरल गैस। तो जहां पेट्रोलियम मिलता है वहां नेचुरल गैस भी मिलती है। लुक एट द फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट लेयर्स कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड द गैसेस अबव दैट ऑफ वाटर, वाटर से ऊपर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर से हल्की है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से हल्की है गैस। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट, वाटर के साथ ये मिक्स नहीं होता है इसीलिए इनकी अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। 8 years later, 1867 में ऑयल वॉज स्टक एट माकुम इन आसाम, आसाम में 1867 में देख लिया गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया में और ये मिलता है ऑयल पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम जो है थिक ऑयली डार्क लिक्विड होता है, इसको हम रिफाइन कैसे करते हैं? इट हैज अनप्लेजेंट ऑडर, इसकी अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है। इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने का जो प्रोसेस है फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम बना के, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। इट इज कैरियड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, इनके अंदर इसको हम रिफाइन करके ये सारी चीजें ऑब्टेन करते हैं, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5। टेबल 5 में ये दे रखा है, जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म LPG, ये फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोल जो है मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग जितनी होती है वो पेट्रोल में की जाती है। केरोसिन स्टोव्स, लैम्प्स या जेट एयरक्राफ्ट उड़ाने के काम आता है। डीजल मोटर व्हीकल्स हैवी के लिए, जैसे ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी डीजल यूज होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन होता है मशीनरी वगैरह में। पैराफिन वैक्स से ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एटसेट्रा बनते हैं। और बिटुमेन से पेंट या रोड सर्फेसिंग की जाती है। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बहुत सारी यूजफुल चीजें हमें मिलती हैं एंड नेचुरल गैस से भी। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, इनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, अब ये किस किस चीज में काम आती है, डिटर्जेंट बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, फाइबर कौन से, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन भी इसी से बनता है, अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, प्लास्टिक सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैसेस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन गैस अलग कर ली जाती है, वो फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, अब इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत है इसलिए हम इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत फायदे की चीज है। नाउ वी कम टू नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, पाइप से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है इसलिए नेचुरल गैस बहुत अच्छा फ्यूल है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी गैस को हमने कंप्रेस कर दिया ताकि वो स्पेस कम लेगी। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर बनाने के लिए भी काम आती है, बिजली बनाने के। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, व्हीकल्स के अंदर बहुत यूज होती है, बसेस में, ऑटो वगैरह में। रीजन उसका यह है कि बहुत क्लीन फ्यूल है ये, लेस पोल्यूटिंग है, इट इज अ क्लीनर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन, और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है CNG की कि हम इससे जला सकते हैं बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, होम्स में या फैक्ट्रीज में, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, जहाँ पे ये पाइप से जा सकती है तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। पाइपलाइन अब तो काफ़ी जगह डल चुकी है तो इसलिए ट्रांसपोर्टिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस से कई केमिकल्स भी बनते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं। इंडिया हैज अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इंडिया में काफ़ी जगह पे है। इन आर कंट्री रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है वहीं पे ये भी मिलता है नेचुरल गैस भी। कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन पूछता है।
कि क्या डेड ऑर्गेनिज्म से हम लैब में बना सकते हैं? नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, राइट? सो वी कैन नॉट क्रिएट पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल. दैट इज वाई वी हैव टू यूज दैम विथ सेंस, लाइक वी शुड नॉट वेस्ट दैम. सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इन्हें कंजर्व करके कैसे चलना है? यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल एटसेट्रा. ये सब नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल हैं. यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू दीज फ्यूल्स. अब ये डेड ऑर्गेनिज्म जिनसे ये बनी है उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इनमें कन्वर्ट होने में. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट एट मोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. ज्यादा से ज्यादा अगर हम इन्हें बचा के भी यूज करें तो कुछ सौ साल तक ही चल पाएंगे. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. और इनको अगर हम ज्यादा स्पीड से जलाते हैं तो वो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. और इनके यूज से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. रीजन इसका ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ये ऑन बर्निंग. और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वार्मथ बढ़ जाती है एटमोसफेयर की. रीजन ये कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी सन की रेज जो आती है, हीट जो सन की है उसको वो बचा के रख लेता है, एस्केप नहीं करने देती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की जितने क्वांटिटी बढ़ जाएगी उतनी हीट बढ़ेगी. हीट बढ़ने से जो पोल्स पे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, उससे सी का लेवल बढ़ जाएगा, ओशंस का लेवल बढ़ जाएगा. और जो सराउंडिंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज हैं समुद्र से बाहर, वो समुद्र के अंदर जा सकते हैं. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. इसलिए जब हमें इनकी ज़रूरत सच में हो तभी हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए. दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट. इससे हम एनवायरनमेंट को बेटर बना सकते हैं. स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और ये हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन ऐसे पास ऑन होते हुए ज़्यादा समय तक चल पाएगा. इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग. देयर टिप्स आर, ये कुछ टिप्स दी गई हैं पेट्रोल या डीजल किस तरह से हमें बचाना है. ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. स्पीड को ज़्यादा कम ना करते हुए एक कॉन्स्टेंट या मॉडरेट स्पीड पर चलाना चाहिए. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. वेट करना या ट्रैफिक लाइट पर वेट करना है तो आपको इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए क्योंकि टायर का प्रेशर अगर कम होगा इंजन को उतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फ्यूल का कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा. एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. व्हीकल का मेंटेनेंस कराना चाहिए. मेंटेनेंस अगर अच्छा रहेगा, व्हीकल अगर अच्छी कंडीशन में रहेगा तो ऑब्वियसली वो फ्यूल को कम यूज करेगा. सो दिस वॉज द चैप्टर. इट्स एन ईजी चैप्टर. आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. थैंक यू.